नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और हम बात करेंगे कि VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से यूजर फॉर्म पे मैप का यूज करेंगे। जी हाँ, गूगल मैप। आप लोग गूगल मैप का यूज तो करते ही होंगे, तो गूगल मैप ओरिजिनल डेस्टिनेशन का हम एक्सेल यूजर फॉर्म पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसके लिए हम आज आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। कि मैं ओरिजिनल डेस्टिनेशन डालूं और मुझे उसका मैप, उसका कितने घर किलोमीटर की दूरी है, उससे मुझे पता चल जाए। इंसर्ट करता हूं यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म में हम जाने के बाद हिसाब से यूजर फॉर्म एक बनाते हैं, और सबसे पहले तो मैं यहां पे डालता हूं, ये हो गया ऑरिजिन, और फिर इसको लेता हूं टू और यहां पे डेस्टिनेशन डालते हैं, और फिर यहां पे एक बटन बना देते हैं चेक का या ओके का, जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद ये देखिए, हमारे पास एक वेब ब्राउजर है। हालांकि ये वेब ब्राउजर डिफॉल्ट नहीं होता है, आप राइट क्लिक करके एडिशनल टूल्स पे जाएंगे तो वहां से आप इस तरह की वेब ब्राउजर को लेके आ सकते हैं। तो यहां पे हम क्लिक कर दिया तो ये वेब ब्राउजर आ गया। फिर इस वेब ब्राउजर के लेते हैं और अपने हिसाब से इसमें ड्रैग कर देता हूं मैं। उसके बाद हम यहां ऊपर जाते हैं। अब यहां पे मैप में एक चीज और होता है, जैसे कि अगर आप मैप खोलते हैं, मैं यहां पे गूगल मैप ही खोलता हूं, जैसे कि मैं मैप, हमारा गूगल मैप। अब यहां पे मान लीजिए कि मैं डायरेक्शन में जाता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्च किया दिल्ली, करने ना सर, इसमें आपके पास दिशा निर्देश मतलब कि डायरेक्शन होता है, हिंदी है ना इसलिए, तो ये डायरेक्शन में हमने नोएडा रख दिया, नोएडा। तो नोएडा से दिल्ली का पूरा दिख गया, और ये रहा आपका पाथ। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को आप ले लीजिए, और मैं इस पाथ को एक्सेल में फिलहाल पेस्ट करता हूँ। तो जो DIR के बाद जो है यहां पे दिल्ली / नोएडा। अब अगर आप इसको यहां पे पेस्ट करते हैं इतने ही, देखिए दिल्ली नोएडा आ गया। मैं दिल्ली नहीं, दिल्ली नोएडा नहीं, मैं यहां पे दिल्ली कानपुर करता हूं, और फिर इसको कॉपी करता हूं और इसके ऊपर मैं पेस्ट करता हूं। यहां पे आपको दिल्ली कानपुर का रूट दिख रहा है। तो सेम प्रोसीजर हम वहां करेंगे, कहां पे, VBA यूजर फॉर्म। तो यहां पे हम करेंगे मी मतलब एक्टिव यूजर फॉर्म, मी डॉट वेब ब्राउजर वन डॉट नेविगेट। नेविगेट में यहाँ पे URL में हमारा ई URL आएगा, लेकिन इसमें दिल्ली नहीं आएगा, DIR तक देता हूँ, और एंड में देता हूँ मी डॉट टेक्सबॉक्स वन डॉट वैल्यू। फिर वापस हम यहाँ इसके साथ कंबाइन करते हैं, और फिर मी डॉट
text box 2 dot value. हो गया, इसको हम ओपन करते हैं। अब यहां पे मैं देता हूं, मान लीजिए कि पुणे और नासिक के बीच की दूरी, और चेक करता हूं। पुणे और नासिक के बीच की दूरी आ गया, किलोमीटर भी दिख गया। ये स्क्रिप्ट एरर आता है, इसको अगर आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर सेटिंग करने के बाद ये नहीं आता है। पुणे और मास्टर के व्यू आ गया, इसने डिटेल भी बता दिया, 4 घंटे 30 मिनट लगेगा, 212 किलोमीटर, 100 घंटे, अलग अलग रूट्स ये दिखा के किलोमीटर आपको दिखा रहा है। कहाँ पे? एक्सेल के यूजर फॉर्म में। जी हाँ, एक्सेल यूजर फॉर्म में ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे नासिक के जगह पे मान लीजिए कि मैं पुणे से जाना चाहता हूँ सूरत, और मैं यहाँ चेक कर लूँ, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और आप पहली बार मेरे चैनल पे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरी सिस्टम चैनल पे बने रहें, और कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, और साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहें तो iptindia.com पे जाके लाइव क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं, लाइव ग्रूम ऐप से मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं, या फिर मेरी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। जी सर, रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। तो फटाफट मेरी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिए। Thanks so much for watching this video. Have a nice day.